पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवेल्युएशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल रिजर्व, गुडविल, ये चीज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं अपने कौन से चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, फोर्थ। बैलेंस शीट और लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे लोन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? लोन अकाउंट पढ़ेंगे। लोन अकाउंट कट गया क्या? लोन अकाउंट कट गया है क्या? हाँ भैया हाँ वो तो कट गया। क्या है तुम्हारे कुछ बचाई नहीं चैप्टर में? हैं एनक्यू करा रहे हैं अभी तक? मैं दो करा दो करा दो मुझे ऐसा लगता है कि कटेगा। और हम सितंबर सितंबर तक ये वाली बुक खत्म कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। फिर हम अक्टूबर पूरी अक्टूबर में हम वो बुक खत्म कर देंगे कंपनी वाली जिसमें रेशो रेशो और कैश फ्लो। और नवंबर नवंबर में हम शेयर वाली बुक खत्म करेंगे। ठीक है ना? चलो तो पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसके बारे में होता है। व्हेन द पार्टनर रिटायर एंड नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अच्छा इस पे रखने पे स्क्रीन दब रही है और ऐसे रखना कौन नहीं दब रही? ए बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, 3:2:1, बी रिटायर। व्हेन द पार्टनर रिटायर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तब क्या करेंगे? ए बी सी 3:2:1 है, बी रिटायर है, तब कौन बचे नए प्लेयर? ए और सी। 3:1 इनका क्या हो जाएगा? और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो यही रेशियो इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गेनिंग चल आगे पढ़े क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ 3:2:1:3:1:2 ई एंड एफ रिटायर, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग क्या होगा न्यू रेशियो उसको बच्चों बताओगे? बच्चों बताओगे? जूम के बच्चों बताओ। गेनिंग रेशियो 3:2:1:3 होगा और न्यू रेशियो वो निकाल रहा हूँ। न्यू रेशियो भी यही रहेगा और गेनिंग रेशियो भी यही रहेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है बस ओल्ड रेशियो दे रखा और ये बोल रखा है कि कौन कौन से पार्टनर जा रहे हैं तो उनका रेशियो हटा दो, बाकी जितना भी रेशियो बचा हुआ वही न्यू रेशियो हो जाता है और वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। और जल्दी आया थे वो कौन आया? नया
नमस्ते बेटा। रिचा रिचा बैठो। मनीष ने क्या हुआ? ये सारे दाम मेरे लोग बोलते थे, मैं सुना दिया। छोड़ दिया ना? छोड़ दियो बता। तू घर आते तुझे नहीं है बंदे पे नंबर नहीं भैया का। तू पहले मैं तुझे बता दूँ क्या तुम बोल रहे हो। अब मैं तो बता रहा हूँ टाइमिंग टाइम में नहीं बोलते ना। क्यों गुरमेंट नहीं है? है तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैं तुझे बताऊँगा खुद लेती है जाके। चले क्वेश्चन कराएं। नया चैप्टर तुम लोग कहाँ मिले इसको? रिचा तुम कहाँ मिली इसको? किसने मेरे से कॉपी नहीं है? पैसे नहीं मिले मेरे को भी बहुत। मेरा एक का रह गया, एक रह गया और दे दिए थे एक के बाद। मेरे हिसाब में ज्यादा नहीं है, एक के रह गया। मैं भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। तो यार ऐसे का ही नहीं कर रहा, उसको हटा दिया उसने। वो है लड़के बात कर रही है मेरी। कोई बात नहीं, लड़का तो ठीक है। अरे यार गर्मी लग रही है यार यहाँ पे तो। बच्चों कर लिया? अभी ला रहा, अभी ला रहा, अभी ला रहा, अभी ला रहा। गिलास लाए तुम लोग? एक और क्वेश्चन। ए बी सी डी वन रेशो वन रेशो वन रेशो टू डी रिटायर न्यू रेशो बताओ। इक्वल इक्वल। ए बी सी वन रेशो वन रेशो वन गेनिंग रेशो बताओ। सेम इक्वल रेशियो। न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता। ओ काम कर भाई, ये ले बेटा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, समझा समझा। पहले केस, इसको केस वन है ना, केस वन को थोड़ा सा रुक जाइए, केस टू को पढ़ाएंगे। अरे मनीष मनीष क्या बात हो गई बता, तो फिर तूने को छोड़ क्यों दिया? तू तो पहले दिन, पहले दिन ही पढ़ाया था, तब मैंने ये बोला था कि छोड़ेगा नहीं। तो इसको पीटू बता, तू बोल। कल से आ जा भैया, कल से आ जा। When the partner get retiring partner share in certain ratio, यहां से पढ़ बैठे हुए रिटायरमेंट। अच्छा तुम तो पहली बार आई हो घर पे हमारे। यही वो पतली दुबली सी लड़की है जो इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी जाती है। और अच्छा नहीं सही है पर हाँ, मतलब फोटो देख के कोई बता नहीं सकता ये इतनी पतली दुबली होगी। When the partner get retiring partner share in certain ratio, इसका कहने का क्या मतलब है?
ओ ये कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है? ए बी और सी पार्टनर है। आप सब शांति से बोलो। ए रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में कोई बंदा रिटायर होता है, अच्छा आया था। तो ए बी सी पार्टनर है, 3:2:1 है, इसमें सी रिटायर हुआ और सी का रेशो कितना है? 1/6। अब 1/6 रेशो है, अब ये 1/6 अभी चला जाएगा तो किसी ना किसी को तो मिलेगा। किसको मिलेगा? या तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा या दोनों को मिलेगा। तो अब किस रेशो में मिले? तो पहले जो मैंने अभी इससे ऊपर जो मैंने पढ़ाया है वो ये पढ़ाया था कि भाई ए बी सी पार्टनर हैं 3:2:1 के लिए, सी रिटायर हो गया तो न्यू रेशो बताओ कितना बचा। तो पहले ए और बी बचे केवल, उन्हीं के रेशो लिख दो बस 3:2, और यही न्यू रेशो हो जाएगा, यही गेनिंग रेशो हो जाएगा। कब कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, बस इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी हो? ए बी सी 3:2:1 सी रिटायर और कुछ नहीं। जो ओल्ड रेशो वही न्यू रेशो हो जाएगा, वही गेनिंग रेशो इतना। दूसरी अब यहाँ पे आ गए हम कि भाई व्हेन द पार्टनर रिटायर, और इन्फॉर्मेशन दे रखी कि भाई ये जो सर रेशो 1:6 है, ये ए ने कितना लिया है और बी ने कितना लिया है। तो ऐसे रहेगा, C share will be distribute to A and B in 2:1। कौन से रेशो में? तो पहले बात तो C का रेशो है कितना, पहले देखते हैं। C का रेशो है 1/6। A को कितना मिलेगा? तो ऐसे लिखेंगे, A acquire from C। C का रेशो कितना है? 1/6। A को कितना मिलेगा? 2/3। हाँ, 2/18। A का रेशो था कितना? प्लस ये चीज प्लस कराएंगे, पीछे माइनस कर देते बस में प्लस करेंगे क्योंकि मिल रहा है, पीछे जा रहा होता। 18 LCM 3:9+2 11/18। B acquire from C, 1/6 था C का, और उसको मिलेगा कितना? 1/3, तो 1/18। B का रेशियो था कितना? 2/6, उसको मिला कितना? 1/18। 18 + 3 6+1 7/18। और A और B का रेशो कितना है? 11/18 और 7/18। तो रेशो कितना बन गया? 11:7। ये हो गया, खत्म हो गया। पानी लाऊं तुम लोगों के लिए? एक क्वेश्चन दे जा रहा हूँ, फिर पानी दे रहा हूँ। बातें ना करना दोनों, ठीक है ना? और वो अपने स्कूल की कोई बात पूछे लड़की तो उसको कुछ मत बताना, ठीक है ना? और कितनी है तेरे स्कूल की लड़कियां? अब तो मैंने पूरा उसको वो बना दिया, कंप्यूटर लैपटॉप ऐसा आ गया। अब तो एसवर्ड ऐसे चल रहा है, एसवर्ड गेम पूरा, ये स्पीकर चला दिया और आने तो दो। अरे मैं घर पे आ गया था, मैं टूट गया ही घर वाले को पता नहीं, मम्मी पापा तो लेकर मार रहे हैं। वो है 1,05,000 का, मुझे बड़ा है 87। हम सैमसंग वाले मैंने चलाया था iPhone 7, पहले दिन ही लेके आया था, लॉन्च हुआ था 60,000 रुपये का, 6,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया था,
इतना कचड़ा मोबाइल है iOS, तो अब मैं जो ये सीमलेसली वर्क कर पा रहा हूँ ना, ये नहीं होगा। उसके लिए 4K टीवी का वो बॉक्स खरीदो, तुमसे मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुमसे मैं कुछ नहीं ले सकता, 80% जनता में कोई भी लो दुकान है, ब्लूटूथ शेयर पे चलाओ, और ब्लूटूथ कनेक्शन में भी बहुत जगह पे कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। और स्क्रीन तो तुम जानते ही हो, सैमसंग की जो आती है, तो अगर जिसने सैमसंग चला ली वो स्क्रीन की वजह से नहीं चला। आगे कर रहा हूँ क्वेश्चन, ए बी सी 1:2:1, सी रिटायर, सी विल शेयर हिज प्रॉफिट रेशियो इन ए एंड बी फॉर इक्वल करके आओ जल्दी से करो, पानी हो गया। अच्छा तो हम चलते ही हो गया मुगल। अपने ग्लास अपने पास रखना, अपने ग्लास अपने पास, कल से अपने ग्लास लेके बोतल ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लो भाई लो, मैंने लो ना, मैं एक बार दे देता हूँ, दे रहा है, दे रहा है, ये फिर से बात कर लेते, निकल लेते एक दो बात कर लिया करो, और किसी भैया सबको हो गया चलो जी बेटा। अबे पागल है वो, आएगा फिर बोलेगा बोलेगा, फिर घर का माहौल है, बोल जाए तुम्हें कुछ पता थोड़ी है, बड़ी बुआ है। चले इसको खत्म करें, चेक करो भैया, बुला लो यार, नहीं बुलाऊंगा। सी का रेशो कितना है, 1/4, कुछ भी नहीं करूंगा, चुप रहे। अब सी ने अपना जो 1/4 है वो ए और बी को दिया, कौन से रेशो में दिया है, 1/4
1:1 में तो सी ए एक्वायर फ्रॉम सी 1/4 × 1/2 यानी 1/8 ए का रेशियो कितना था 1/4 1/4 था 1/8 आ गया 8 एलसीएम 2/1 3/8 हो गया बी एक्वायर फ्रॉम सी 1/4 × 1/2 = 1/8 1/4 था सी का रेशियो और बी को 2/4 था अब सी बी को कितना मिलेगा बी को मिलेगा 1/8 बी का पहले से कितना था 2/4 अब मिलेगा कितना 1/8 4+1 5/8 ए और बी का रेशियो कितना हो गया 3:5 हो गया उतार लिया ए बी सी अब अगर पुराने वाले गलत हो गए हैं तो इसको कर लेना ठीक हो जाना चाहिए 1 अब ये वाला 1:1:3 बी रिटायर बी सरेंडर हिज चेयर टू हाँ ए एंड सी इन 1:2 ध्यान रख लेना बी रिटायर है इस बार करके देखो मास्क पहनो मास्क पहन के आया करो बेटा मास्क पहन के मास्क पहना करो बच्चो कहीं ज्यादा की कोरोना हो जाए क्योंकि होगा सबको दवाई का आ भी जाएगी तो तुम्हें थोड़ी मिल पाएगी दवाई 130 करोड़ जनता है बन जाएगी दवाई 130 करोड़ की टेस्ट तो हो ना पा रही थर्टी मिनट आ जाएगी मतलब सब लोग अपने एंटीजन करा लो कोरोना वायरस के एंटीवायरस बन चुका है तुम्हारे पे हाँ जी हाँ सब में सबके बनना चालू हो रहे हैं अंदर हो गया भैया करें क्वेश्चन करें कैसे किया बताओ वैसे वैसे लिखेंगे हम वन अपॉन फाइव 1/3 ये किसका किसको मिला है हाँ तो ये लिखवाओ ना ए एक्वायर फ्रॉम बी अब ए का 1/15 कोई बात नहीं 1/5 बाद में लिख दो
सी एक्वायर फ्रॉम बी बी का वो सी का शेयर कितना था थ्री अपॉन फाइव प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन एल सी भैया सी एक्वायर फ्रॉम बी में थ्री बाय फाइव होगा ना थ्री बाय फाइव इनटू टू बाय थ्री नहीं बेटा उसका रेशियो कितना है बी का बी का तो वन बाय फाइव है वन अपॉन फाइव है वो अपने रेशियो का ही तो दे रहा है ना कितना पार्ट दे रहा है टू अपॉन थ्री दे रहा है अपने रेशियो का बाद में उसका रेशियो बी पे कितना था पहले से थ्री अपॉन फाइव था उसमें प्लस होगा ये वाली चीज ठीक है भैया चेक करके देखो अगर मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ क्या कहते हैं थ्री अपॉन फाइव तो वो ही अपने ही रेशियो का अपने आप को देगा अभी क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज क्या लिखी हुई है सी एक्वायर फ्रॉम बी बी अभी तो बी का अभी मैं बोलता हूँ सी एक्वायर बी का मतलब क्या होता है बी पे जो होता है उसका कितना मिलेगा यही तो हुआ से मतलब और यहाँ पे ये जो शेयर है ये बी का शेयर है तो बी का शेयर में से उसको कितना मिलेगा टू अपॉन फिफ्टीन नहीं यहाँ पे अगर वो लिख देता सी का शेयर लिख देता थ्री अपॉन फिफ्टीन तो सी अपने ही शेयर का अपने आप को लेगा बस समझे भैया समझ गया नहीं आई समझ में आ गई भैया आ गई रेशियो निकल के आया फोर अपॉन इलेवन फोर अपॉन अब नया क्वेश्चन करते हैं नया केस when the share is given to particular partner कोई particular partner को share दे दिया जाता है कि भाई ए बी सी जा रहा है बोला मैं अपने आप को नहीं दे रहा उसको दे ठीक है ना अब चेक करो ए रेशियो बी रेशियो सी थ्री वन वन सी रिटायर सी सरेंडर शेयर टू ए करके देखो अब इसमें करते क्या है सी का शेयर कितना है वन अपॉन फाइव और ये पूरा वन अपॉन फाइव किसको मिल गया ए को तो ए का कितना था थ्री अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव हो गया और बी का तो अपना वन अपॉन फाइव है तो ए और बी का कितना हो गया फोर रेशियो वन और रेशियो बन कैसे आया सॉल्व करके दिखाऊं या आधा ये क्या कुड़ुम 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 हो रही है डू नॉट डिस्टर्ब कर When the share is given to a particular partner, मतलब ABC है और एक particular partner को दे रहा है तो भाई अब वो दे रहा है जैसे कि सी रिटायर हुआ सी ने किसको दे दिया ए को तो सारा को सारा किसको मिलेगा ए तो सी का था कितना और ए का कितना था उसको कितना मिल गया प्लस किया था फोर फिर बस बी का कितना था उसको तो बस जैसा था भाई का वैसा ही रह गया कॉल कर और कितना जमा करूं गर्मी रह रही है यार तो अपने अपने वाले कमरे में है वो लोगों के लिए मैं पूरे कोविड 19 में नहीं बैठा हूँ इस कमरे इस जगह पे इतना बैठना पड़ा पूरा कोविड 19 मैंने अपने घर में बिताया जा सकते हैं मैं जाएंगे तो डर लग रहा है तुमने तो बहुत बदस किया ना कभी धीरे धीरे घंटे में जाने यश की एम आई की देख ले यश देख बेटा तेरे घर की घंटिया दिव्यांश बजाता था दिव्यांश क्लास में है
है ही नहीं क्लास में। अरे भैया हूँ मैं, क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन करें, इसके बाद एक टफ सा क्वेश्चन दूंगा, है ना? एक नहीं, अब वो मिला जुली सरकार होगी, समझ के करना। ए बी सी डी 3:1:3:1 सी एंड डी रिटायर, सी गेव हिज शेयर टू बी एंड डी गेव हिज शेयर टू ए।4 is to 4 equal है, 4 is to 4 सही है भाई। इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, बहुत बढ़िया। भैया इतने टफ क्वेश्चन मत दो, पागलों एक बार वो होगा तब होगा, वो जमीन पर रख दिया दोबारा उसको देंगे, फिर दोबारा दूंगी, फिर दोबारा देंगे, फिर दोबारा दूंगी देंगे। चले भाई, भाई लोगों चले, अब टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन देता हूँ। ए बी 3:2 C is admitted for 1/4 share after admission A retire। करिए तुम्हारा पहले ये यहाँ तक तो एडमिशन करके थे, यहाँ पे रिटायरमेंट आता है। टू रेशियो वन
जशन कह रहा है हथियार डाल दो, करना तो जशन डॉक्टर आते हैं जब खत्म इलाज खत्म तो मैं खत्म कर रहा हूँ उन्होंने दिया हो गया अब वैसे ठीक है हो गया आठ पास दो तीन दिन बाद लव को मैंने कॉल किया था क्या कहते हैं लव को सारे नंबर मिला दिए तेरा नंबर मिला तेरा नंबर मिला जशन तू के नाम से तो वो कॉल मिल गया लव को मिला नहीं तेरा नंबर तेरा थ्री रेशो टू है और ये वन फोर्थ के लिए आता है तो हम पहले करते थे वन माइनस वन फोर्थ ये थ्री अपन फोर बचा फोर किसका है ए और बी को कौन से रेशो मिलेगा पढ़ाऊं पढ़ाऊं मैंने गलती से सी रिटायर कर दिया भैया पढ़ाऊं पढ़ाऊं नहीं बना तो ये सुन लेंगे पढ़ाओ 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 हां पढ़ाओ आपको मैंने पढ़ा ए के पास पहले कितना था 3 अपॉन 5 उसको कितना मिलेगा 3 अपॉन 4 9 अपॉन 20 बी के पास पहले कितना था 2 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 4 6 अपॉन 20 ए बी सी 9 रेशियो 6 रेशियो 5 जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 रेशियो 6 रेशियो 5 जब सबको इक्वल रख दो कैसे रहेगा कैसे आया दोबारा कहते हैं 9 अपॉन 20 6 अपॉन 20 1 अपॉन 4 ये बच्चा हो कैसे रहा है इसको अगर समझना है तो एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ लो उसमें कराया हुआ है याद नहीं है तो वहां से याद आ जाएगा और याद नहीं है कि कैसे हुआ है तो क्या कहते हैं क्लास को यूट्यूब पे देखो तो ए बी सी का फॉर्मूला वो आया रेशो आया 9 रेशो 6 रेशो 5 और अब ए रिटायर रह गया तो 6 अपॉन 5 सही है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते अरे दो 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 चैप्टर को मिक्स नहीं किया जाता पढ़े आगे बहुत घूमती है बात पूरा टाइम घूमती रहती है इससे ज्यादा डर है मुझे ठीक है यहाँ से मेरे चैप्टर यहाँ पे मेरा एनपीआर खत्म हो चुका है अब नई चीज चालू होगी जिसका नाम है गुडविल हाँ यही सबसे ज्यादा दिक्कत देती है इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मूला होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट गेनिंग सॉरी टू sacrificing partner to retire partner या फिर इसका ऐसे कर सकते हो gaining to sacrificing to retire gaining to sacrificing to retire gaining partners capital ये दूसरा वाला ले लो gaining partners capital account debit टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू रिटायर ध्यान रखना जो रिटायर करता है वो हमेशा सैक्रिफाइस करे जो पार्टनर रिटायर करता है वो सैक्रिफाइस और एडमिशन में जो नया पार्टनर आता है वो हमेशा गेन होता है वो हमेशा गेन होता है
हाँ ये ना बंदर gaining partner's capital account debit to sacrificing partner to retire partner निचे इतनी शांत क्यों हो ये है वो कहीं ने मारो का हैं लगे तो ऐसे ही है बेबी गाँव गाँव की औरत है बहन बहनों को बीबी बोलती है मरंदे चले चेक करो ए बी सी थ्री रेशो टू रेशो वन गुडविल वैल्यूड 60,000 सी रिटायर हाँ सी रिटायर अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ चेक करें करें तो देखो पहली बात तो सी रिटायर है सही बात है तो ये अब न्यू रेशियो क्या हो गया इनका ए और बी का थ्री रेशियो टू यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये गेनिंग रेशियो कौन सा हो जाएगा यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा तो इस केस में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा बस रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा रिटायरमेंट वाले मैंने अभी बोला था रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करता है तो इसमें जनरल एंट्री क्या होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर और सी कैपिटल अकेला कौन है तो सबसे पहले सी से बांटना चालू करेंगे किससे बांटना चालू करेंगे सी सी का रेशियो कितना था सिक्स और गुडविल कितने किया तो कितने मिला 10,000 का अब 10,000 ये किसको मिलेंगे ए और बी को कौन से रेशियो में थ्री रेशियो टू कुछ भी नहीं किया रेशियो में नहीं बटेगा भैया हैं ओल्ड रेशियो में नहीं बटेगा ओल्ड किस रेशियो में नहीं इस वाले रेशियो में इस वाले में बटेगा जो न्यू रेशियो निकला है ना वही गेनिंग रेशियो होगा इनका और ये गुडविल वैल्यूड है ये गुडविल बैलेंस शीट वाली नहीं है गुडविल वैल्यूड वाली गुडविल है ये जो मैं गुडविल ट्रीटमेंट पढ़ा रहा था गुडविल वैल्यूड का पढ़ा रहा हूँ अभी किसका पढ़ा रहा हूँ मतलब जो रिटायर करने के बाद रेशियो आएगा उसमें निकलेगा हाँ हाँ रिटायर करने के बाद जो रेशियो आएगा उसमें ये केस कब वैलिड है जब क्या कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि सी ने अपना रेशियो कितने रेशियो में बांटा है ए और बी में बस ये बोला गया ए बी सी तो सी मर गया सी रिटायर हो गया बस और इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी समझ में आ गया अब इसी को अगर मैं लेजर में डालूंगा तो पर्टिकुलर ए बी सी पर्टिकुलर ए बी सी ये दोनों डेबिट हो रहे हैं डेबिट हो रहे हैं ये क्रेडिट हो रहे हैं डेबिट वाले को क्रेडिट से मतलब क्रेडिट वाले को डेबिट से जो डेबिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो बाय ए बाय बी जो क्रेडिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो टू सी डेबिट वाले में वो डेबिट को किससे मतलब है तो कौन कौन सी वैल्यू दे रही है 6,000 और 10,000 6,000 और 10,000 कौन सी वैल्यू लू क्यों लू 6,000 क्योंकि छोटी वैल्यू है दूसरे वाले डेबिट का किस दूसरे वाले डेबिट को किससे मतलब है क्रेडिट से दो वैल्यू दे रखी है 4,000 और कौन सी वैल्यू लू क्यों लू छोटी वैल्यू सी के सामने कौन है क्रेडिट के सामने ए और बी 6,000 और उतान दोबारा से एक क्वेश्चन कराएंगे इसको फिर समझ में आ जाएगा कोई तो हैंग हो गया ऐसे साफ आता है वैसे जूम से कितना गंदा आ जाता है जूम में ये लाइनें नहीं दिखती
आगे बढ़े चलो क्वेश्चन करके दिखाओ ए बी सी 1:2:1 ए रिटायर गुडविल वैल्यूड 8000 वैल्यूड गुडविल आपकी कहां पे दिखाई देती है एडजस्टमेंट में कहां पे दिखाई देती है एडजस्टमेंट में 8000 करके दे रहा हूं तुम लोग स्काई टेक जाते हो क्या तो स्काई टेक में खाते क्या हो मुझे बताओ इतना तो महंगा यार वो और एक दो मंगा तो ही मैं फिर पड़ जाता इसके अच्छा है क्या कहा ना मुझे तो अच्छा है जगह बढ़ जाए बस ऑटो वोटो के जाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था फिंच की स्टोरी बताई थी ना ये नहीं बताया था ऑफ डिस्काउंट का पिंच पे ना आजकल कुछ 30-50% ऑफ चल रहा है तो हमने ना कुछ 2500 का बिल बनवाया एक अपने फिटनेस क्लब के एक बच्चे का बर्थडे पार्टी में हाँ सुरेश सर हेलो कर हेलो भैया मैं तो अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ उनको कुछ भी नहीं कह रहा मुझे तो अगर कंप्यूटेशन चेंज कराने की बोल रहे हैं क्या इली कमरानी करेगी अरे अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको बुला दो ना दुकान पे भेज देना है अया हाँ हाँ है क्वेश्चन करो बेटा आंसर निकालो हो गया भैया करके दिखाओ भैया करके दिखाओ क्या हुआ अभिषेक हो नहीं पाया बैलेंसिंग नहीं हो रही है हम बैलेंसिंग दिखाते हैं बी और सी बचे 2:1 यही क्या हो गया न्यू रेशो यही क्या हो गया गेनिंग रेशो गेनिंग बी सी टू ए क्यों वो हमें सैक्रिफाइस करेगा रिटायर होगा तो सैक्रिफाइस करेगा ए अलग है अकेला है चेक करते हैं 8000 into 1/4 तो कित 2000 आया अब 2000 को किस रेशो में बांट दो 2:1 में तो कितना आया 1:1333 or 667 सकल से भोले लगते हैं या वो भी भोले अब इसको लेजर में भी करके दिखाऊं है कर दूं या नहीं कैसे होगा बाय बाय बी बाय सी टू ए
ये ए में पड़ेगा कितना 1333667, ये किस में पड़ेंगे बी और सी में 1333667। आई बात समझ में, कौन आ रहा है किसी का, मम्मी का आ रहा है किसका आ रहा है? चले पढ़े दीशु का बैठे आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़े बच्चों। हाँ वही है, आगे बढ़ते हैं और आगे खत्म करते हैं इसको। ए बी सी 2:1:1 भैया जी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है, कराएंगे यार थोड़ा पढ़ाने दे, मजा आ रहा है। सी रिटायर अभी और रख देता, देखो सी रिटायर, अब क्वेश्चन को देखो घुमाया कैसे जाएगा। न्यू रेशो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू रेशो दे रखा होगा, दे या जा रहा है, दे रखा नहीं होता दिया जा रहा है। सी रिटायर हुआ है, सॉरी ए को रिटायर करूं किसको करूं, ए रिटायर। अब न्यू रेशो बी और सी का कितना है 6:4:6 4:6 वैल्यूड गुडविल 1,00,000। अब ये न्यू रेशो दे रखा है, ये ओल्ड रेशो दे रखा है, तुम्हें क्या निकालना है? गेनिंग और सेक्रीफाइस। मैंने दे रखा है, हुआ नहीं है, मैंने दे रखा है। तो अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है तो अब तुम्हें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर नेगेटिव आता है तो गेनिंग होता है और अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस। इसमें बी सैक्रिफाइसिंग कर रहा होगा, करना चाहिए था गेम कर गया, तो इसकी एंट्री होगी 3:2:A:2:B। भैया दोनों गेन कर रहे हैं, वो दोनों कौन कर रहा है, एक गेन करेगा एक सैक्रिफाइस करेगा पक्के से। हाँ भैया सही है। भैया बी सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। हाँ सही है। 13:33 यस टू बोल रहा है यस। भैया दिव्यांश कौन क्लास छोड़ के भाग गया भाई? कराऊं? हैं? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करो 50,000 10,000 से ज्यादा नहीं आएगी गुडविल, चेक करो। ए का रेशो कितना था
4/10 ठीक है ना। अब चेक करते हैं क्या हुआ कि भाई B का ओल्ड, ये तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, किसका, A का। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया, ओल्ड रेशियो कितना था 5/10 और 4/10 तो 1/10 प्लस का आया तो सैक्रिफाइस। C का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/10 माइनस 6/10 माइनस 5/10 आया, ये गेन हो गया। ये सैक्रिफाइसिंग है, ये सैक्रिफाइसिंग है, तो ए को, ए और बी को एक साथ रख दिया, सी को अलग रख दिया। सी का रेशियो था 5/10, ए का कितना था 4/10 और इसका कितना था 1/10, तो 4:1 तो कितना, कौन सा रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग। अब जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो सी गेन कर रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है टू ए टू बी कैपिटल, अकेला कौन है सी, तो सी से निकालेंगे, सी का रेशियो कितना था 5/10 इंटू 1,00,000 50,000 ही आ रही है, 50,000। अब ये कौन से रेशियो में बढ़ेगी, 4:1 40,000 और 10,000, समझ आ गया, आ गया अभिषेक जी, क्लियर हो गया, जबरदस्ती वाला क्लियर हुआ। किस बच्चे को नहीं समझ में आया, जल्दी से हाथ खड़ा करे, मुस्कान समझ में आया। हाँ भैया आ गया। किसी और को और बता दो भैया, ये बता भैया मुझे रेशियो ही नहीं आ रहे, रेशियो आपने कौन से लिख दिए। अच्छा भैया ठीक है, चलो अभी समझते हैं। शांत बेटा, ये ओल्ड रेशियो था भैया, आपने रेशियो बदल दिए। हाँ अभी रोको तो सही, ये ओल्ड रेशियो था, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में कुछ भी, मैंने बोला कि ये ओल्ड रेशियो था, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हुआ होता है तो जो जा रहा होता है उसको छुपा लो, वो उसके बाद जो दोनों बचे वो न्यू रेशियो हो जाता है, ये बोला था मैंने। अब मैंने क्या करा है कि मैंने ओल्ड रेशियो तो दे ही रखा है और साथ के साथ अपने यहाँ भी न्यू रेशियो दे दिया आपको, बुक में ऐसा दे सकते हैं, न्यू रेशियो खुद ही दे सकते हैं, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, गेनिंग और सैक्रिफाइस। और मुझे कोचिंग में मैंने ये बता दिया था कि जो जाता है वो हमेशा सैक्रिफाइस करता है, तो भाई ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना ये, और बी का मैंने निकाला ओल्ड माइनस न्यू से 1/10 आया, सी का निकल के आया 5/10। इतनी बात पे किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया? और किसी को, अंश लक्ष्य नहीं भैया, हो गया ये मेरा, हो गया। अब क्या हुआ कि भाई जो सैक्रिफाइसिंग है उसको एक जगह रख दिया, जो गेनिंग था एक जगह रख दिया, ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 4/10 और 1/10 से, और सी गेन कर रहा है 5/10 से, मैंने इन दोनों को एक साथ रख के इनका रेशियो निकाल लिया 4:1 और इसको ऐसी रहने दिया। फिर मैंने जनरल एंट्री बांटी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग कौन है सी, सैक्रिफाइसिंग कौन है ए और बी, अकेला कौन है सी, तो उसी से चालू किया 5/10 इंटू 1,00,000 तो कितना आया, तो मैंने 50,000 रुपए सी के अकाउंट में डाल दिया। अब ये 50,000 किसको मिलेंगे, ए और कौन से, कितने, कौन से रेशियो में, 4:1 इनका कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन सा रेशियो इनका, सैक्रिफाइस। चलो हो गया खत्म, पढ़ाने का मन तो है नहीं यार भाई, छुट्टी कर दो ना भैया, अब कर दो आज, दिव्य नहीं आज छुट्टी कर देते हैं, अभी गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है भैया, ठीक है थैंक्स, तो आगे पढ़ा दो फिर अकाउंट सी, नहीं अब रहने दो, हो गया बाय भैया, बाय नमस्ते भैया, ओके भैया नमस्ते, यार बड़ा नमस्ते भैया मेरी तरफ से, राम राम भैया, ठीक है चलो अटेंडेंस।